बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इन्फो आमिर के मोजिज़ नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हुजूर गौसे आज़म सरकार की पूरी ज़िंदगी मुबारक ही करामा से बड़ी रही है, लेकिन आज हम आपको सरकार की एक ऐसी करामत के बारे में बताएंगे कि सरकार इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी अपनी करामत कैसे जाहिर करते रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र का एक ताजर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़्यादा अकीदतमंद था, और आप रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले आलिया कादरिया में दाखिल होने का इरादा भी रखता था, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका। एक दिन वो दूर दराज का सफ़र तय करके बगदाद शरीफ पहुँच ही गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। तो अपनी मुराद पूरी ना होने पर वो बहुत मायूस हुआ, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, क्यों ना आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्रे अनवर की ही ज़ियारत कर लूँ। चनाचा वो इसी नीयत से आपकी कब्रे अनवर पर हाजिर होकर अदाब ज़ियारत बचा लाया, और अभी सोच ही रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं आया। अभी वो दिल में ये सोच ही रहा था कि मैं पहले सरकार की खिदमत में क्यों हाजिर ना हो सका, मैंने बहुत देर कर दी। अभी ये इसका सोचना ही था कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने कपड़े मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और इसका हाथ पकड़कर इसे तवज्जा दी, और इसे अपने हाथ पर पैद करके सिलसिले आलिया कादरिया में दाखिल कर लिया। तो वो शख्स ये मंजर देख के हैरान परेशान हो गया कि ये कैसा मंजर है। तो देखा दोस्तों आपने, आप सरकार की कैसी करामत है। जब दुनिया में थे तो फिर भी करामत दिखाते थे, जब दुनिया से चले गए तो फिर भी करामत दिखाते हैं। दोस्तों, ये सब बात होती है अकीदा मजबूत होने की। जिसका अकीदा मजबूत हो, अल्लाह के वलियों से उससे बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये सरकार की करामत का आपको पहले पता था या नहीं पता था। और हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए ही। डेली अपडेट पे ऐसी इस्लामी मालूमात आप पेश करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।